क्या नाम है? अमित पांडे। अमित पांडे जी, क्या हुआ तुम्हारे साथ? मैं ऑफिस से आ रहा था सेक्टर 22B से, और ये महाराजपुर फ्लाईओवर के पास एक बाइक वाले, मैं गाड़ी में था अपने वैगनार में, और बाइक वाला मेरे को शायद फॉलो कर रहा था। एकाएक वो फ्लाईओवर पर बोला कि शायद कुछ रोकने के लिए बोला था, मैंने सोचा मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो, तो मैं नीचे आया। नहीं, मैंने बोला यहाँ नहीं रोक सकता, नीचे उतरा, तो नीचे वो आके उसने रोका मेरे को, और फिर वो उतरा और एकाएक वो बोला कि मैं पुलिस वाला हूँ, और गाड़ी की मतलब गाड़ी की चा वो ये खोलो दरवाज़ा और डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। फिर वो अंदर घुसा, फिर उसने बोला कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ, फिर वो बोला कि ये है वो है मैं पुलिस में हूँ। उसने बोला आप उसने बोला कि आपके पास क्या क्या है। उसने पर्स सारा कुछ निकलवाया मुझसे, ठीक है, और उसमें से जो मेरे पैसे थे 1900 या 2000 रुपये वो उसने ले लिए, और शायद कुछ उसने मुझे सटाया, पता नहीं मेरे को क्या था, मैं डर गया। और फिर वो हम फैमिली के बारे में पूछने लगा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और फिर धमकाने लग गया। उसने मुझे यही बोला कि शायद तुम्हें गलत केसेस में फंसा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो तुम कितना पैसा दे सकते हो। तो वो फिर मैंने बोला मेरे पास तो है नहीं पैसे, जो हैं आपको दे दिए। बोला नहीं है, ये है वो आपको ATM तक वो मेरे को ले गया। वो फिर हेलमेट पहना हुआ था, बाइक शायद मेरे ख्याल से बुलेट थी उसकी, और वो फिर मुझे आगे ले गया और मेरे को धमकाया उसने। फिर उसने बोला कि जितने पैसे निकालते, मतलब 30,000 रुपये के करीब बोल रहा था वो, इतने निकाल के दे मेरे को। मैं कहा मेरे ATM में इतने पैसे हैं नहीं भाई साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, नहीं कर सकता मैं। फिर वो मेरे को पुश करके मेरे को यहीं पर पंजाब सिंह का जो ATM है सामने ही, वहाँ पर ले गया। वहाँ मेरे को बोला कि जाके पैसे निकाल के आया। मैं गया, एक कार्ड स्वाइप किया, नहीं चला, दूसरा कार्ड स्वाइप किया, नहीं चला। फिर मेरे को 20,000 रुपये निकाल के उसको देने पड़े। फिर मैं गया, उसके बाद उसने बोला कि इतने में काम नहीं चलेगा, तो और पैसे आ रहे हैं, वरना मैं तेरे को कुछ कर दूंगा। धमकाया मैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उन्होंने काफ़ी चीज़ मेरे को बोली। उसके बाद उन्होंने बोला कि तू उधर से आ, उन्होंने कहीं और से, और वो फिर बाइक में बैठे और वो भाग। लेकिन आपने देखा उनके पास क्या हथियार था, और आपने शोर क्यों नहीं मचाया, और गाड़ी नंबर क्या है आपका? मैं घबरा गया था, मैंने उतना ध्यान नहीं दे पाया, मैं नहीं देख पाया कि क्या था, और मैं घबरा गया क्योंकि एक ऑल ऑफ अ सडन हुआ, कोई मतलब ऑफिस से आ रहा था वो, उसका भी ब्लड प्रेशर था, और एकाएक मेरे पर वो ऐसा हुआ कि मैं समझ नहीं पाया क्या हुआ। आपकी गाड़ी नंबर क्या थी? 7953 DL3C 7953। लेकिन आपने जो जब ATM से पैसे निकाले, वहाँ गार्ड भी होगा, आपने शोर क्यों नहीं? गार्ड उस समय थे नहीं, मतलब उन्होंने 15-10 मिनट तक, मतलब 5-10 मिनट तक जो बोला, मैं मुझे मतलब बहुत ज़्यादा घबरा गया। तो आपने फिर पुलिस के पास सूचना दी? उस समय वो उसने मोबाइल मेरा लेके स्विच ऑफ करके उसने बैग में डाल दिया था, मेरा बैग चेक किया, टिफिन चेक किया, गाड़ी चेक की, लेकिन और वो मोबाइल मुझे बाहर नहीं निकाले दिया, मेरे शीशे बंद कर दिए। उनके जाने के बाद में आपने किसी को सूचना दी पुलिस को? हाँ, उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, एक बार नहीं लगा, फिर 15 मिनट फिर नहीं लगा। फिर मेरे एक साथी आए, उन्होंने कॉल किया पुलिस को 100 नंबर पर, और सारी चीज़ों के बारे में बताया। फिर अभी 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 आपके पास कौन आए हैं और क्या कार्रवाई हो रही है? उसके बाद पुलिस वाले आए हैं, और उसके बाद वो मुझे घटनास्थल पर ले गए सारा, कि कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारा बताया उन्होंने मेरे को। उन्होंने पूछा क्या क्या आपके साथ हुआ है, और फर्दर वो तस्वीर कर रहे हैं अपना। मेरी आपकी माने तो पुलिस वाला बन के आपसे लूटा गया? पुलिस वाले बन के ही लूटा उन्होंने, पुलिस के नाम पर ही धमकाया कि तेरे को 2 दिन की जेल कर दूंगा, ये कर दूंगा, जो भी उन्होंने वो अपने वारदात पे ये कर दूंगा वो करके उन्होंने मेरे को धमकाया। मतलब पुलिस वाले बन के आपसे लूटा। सर, एक वैगनर गाड़ी वाले से लूट हुई है हाईवे पर, क्या है मामला? आज एक सूचना मिली है इसके बारे में। ये अमित पांडे नाम का व्यक्ति है जो अजरोंदा में अपना एजेंसी चलाता है, उसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि इसके साथ कोई घटना घटी है, मौके पर आए हैं, अभी उससे हमने पूछताछ की है। वो कह रहे हैं कि कोई पुलिस वाला बन के नकली, और उसने गाड़ी के कागज चेक किए और दबाव बनाकर कुछ पैसे लिए इससे, तो उसके बारे में हम इसकी जांच कर रहे हैं, अभी घटना पर आए हैं मौके के ऊपर। कुछ पता लगा कितने की लूट हुई और कैसे कैसे? ये बता रहा है कि जी करीब 22,000 रुपये इससे लिए गए,
दबाव बना के इससे 22,000 रुपये लिए हैं। कैसे, क्या उसकी जेब से निकाले गए थे या उससे कैसे? 2,000 रुपये उसने अपनी जेब से दिए बता रहे हैं और 20,000 रुपये कहता है कि ATM से, उसने बताया कि ATM से आप पैसे निकलवा कर दो मेरे को, तो 20,000 रुपये इसने ATM से निकलवा कर दिए उसको। अब पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इसके बारे में तस्दीक कर रही, जाँच कर रहे हैं और FIR दर्ज करेंगे, इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। देश विदेश के राज्य प्रदेश की सभी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।